माय लवली व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में तहफ्फुज़ से होंगे। आज हम लोग एक और कोलकाता की हिस्टोरिकल प्लेस की सैर करने वाले हैं। यह हिस्टोरिकल प्लेस कोलकाता में काफ़ी अहम मुकाम रखता है। जी हाँ नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम लोग कोलकाता की निज़ाम पैलेस की सैर करेंगे और जानेंगे इसके कुछ फैक्ट्स को। व्यूअर्स, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लिहाजा इसे इन तक ज़रूर देखें। तो चलिए बगैर किसी वक्त ज़ाय किए आज के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोलकाता की हिस्टोरिकल प्लेस में निज़ाम पैलेस को काफ़ी अहमियत हासिल है। इसका असल नाम गैल्स्टन पार्क था। ये पार्क इंडिया के स्टेट वेस्ट बंगाल के शहर कोलकाता में 234 ADC बोस रोड कोलकाता 70020 में वाक़ है। इसके अलावा इस पैलेस को World War I में एज अ हॉस्पिटल के तौर पर भी यूज़ किया गया था। इसके अलावा जब कोलकाता में किंग एडवर्ड 8 आए थे तब इन्होंने इस पैलेस को एज अ गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया था। इस ग्रेट पैलेस को एक फेमस आर्मेनियन बिजनेसमैन जेसी गैल्स्टन ने बनवाया था, लिहाजा इनके नाम पर ही जेसी गैल्स्टन पैलेस पड़ा। इन्होंने ये पैलेस अपनी वाइफ की मोहब्बत में बनवाया था। इस पैलेस के इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत 1859 में हुई थी और ये पैलेस 1947 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। इस पैलेस को बनाने के लिए काफ़ी बड़ी रकम खर्च की गई थी। गैल्स्टन का शुमार आर्मेनिया के बिलियनरीज में होता था। इतनी दौलत होने के बावजूद इनके अंदर घमंड ना थी, वो काफ़ी रहम दिल थे और गरीबों की मदद किया करते थे। गैल्स्टन एक मल्टी पर्सनैलिटी के मालिक थे। वो एक माहिर बिजनेसमैन, एक रियल इस्टेट डेवलपर और साथ ही साथ एक सोशल वर्कर भी थे। इसके अलावा इन्हें मुख्तलिफ अकसाम के चीज़ों के सीखने का बड़ा शौक था। इनकी पर्सनैलिटी से फोर्ट विलियम के कैवेली ऑफिसर काफ़ी इम्प्रेस हुए। इन्होंने कैवेलरी को घुड़सवारी सीखने का ऑफर दिया। कैवेलरी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। हॉर्स राइडिंग सीखने के बाद इन्होंने इंग्लैंड और इंडिया में अपनी बहुत सारी स्टेबल कायम की। गैल्स्टन के डेथ के बाद हैदराबाद के 7th निज़ाम मीर उस्मान अली ने इस 20th सेंचुरी के पैलेस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। वो अपने इस पैलेस को सबा पैलेस के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लिहाजा इनके कब्ज़े के बाद इस पैलेस का नाम चेंज हो गया और इस पैलेस का नाम निज़ाम पैलेस रखा गया। 20th सेंचुरी में बनी इस पैलेस में गैल्स्टन की और गैल्स्टन की वाइफ की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें हमें ये बताती है कि गैल्स्टन अपने टाइम में एक बहुत अजीमुशान लेजेंड था। आज के टाइम में इस ऑफिस को CBI गवर्नमेंट ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 633 CBI ऑफिसेस मौजूद हैं। ये पूरे कोलकाता की सबसे बड़ी ऑफिस है। इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। इसे वाइट पेंट से कलर किया गया है। चूँकि ये पैलेस कोलकाता की सबसे बड़ी ऑफिस है, इसके अलावा ये कोलकाता की हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, लिहाजा यहाँ पर काफ़ी सारे फूड स्टॉल लगाए जाते हैं। ये फूड स्टॉल काफ़ी सस्ते होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। माय लवली व्यूअर्स, आज का मैं अपना सेक्शन यही ख़त्म करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे एक लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। और साथ ही साथ मेरे चैनल में नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।